नमस्कार, मैं हूँ दीपा कर्माकर, जिमनास्ट ओलंपियन। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि पहली बात, मैं एक लड़की हूँ। हर जगह में, हर एक स्टेज में मुझे वो चीज फेस करना पड़ा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है। और मैं ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो त्रिपुरा है, जो आज से 7 to 8 years बैक जाए तो हम वो पहचानते नहीं थे। लोग पूछते थे कि हाँ, वो बांग्लादेश में है क्या। और मैं ऐसे ही गेम के साथ जुड़ी हूँ जो है जिमनास्टिक। लोग उसको बोलते थे कि वो सर्कस है क्या। तो सच में मेरे लिए मेरी जर्नी अगरतला टू त्रिपुरा टू रियो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी था, क्योंकि जिमनास्टिक ऐसे गेम थी जो लोग जानते ही नहीं थे पहले कि वो क्या होते, क्योंकि बॉयज का गेम है, गर्ल्स तो वो नहीं करते। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था करते। बट अभी ऐसे एक टाइम आया, अगर हम देखे गर्ल्स की आइदर स्पोर्ट्स और आइदर और कोई भी चीज डिसिप्लिन पे, तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुके। क्योंकि जब अभी इंट्रोड्यूस दे रहा था मेरा, जो पहली आफ्टर 52 years के बाद किसी ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, वो भी एक लड़की, तो मुझे बहुत प्राउड फील होते कि मैं एक लड़की हूँ और मैं फाइनली आफ्टर 52 years के बाद ओलंपिक में क्वालिफाई किया और मैंने फोर्थ फिनिश किया। सच में जर्नी बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि त्रिपुरा में बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं थे पहले, जिमनास्टिक्स था तो। बट मेरे पास ऐसे एक चीज था, शायद सबके पास नहीं रहता था, जो था कोच। जो मेरा कोच है सर BS नंदी सर, जो मैं लास्ट 20 years से इनके पास ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्योंकि उनकी सेक्रीफाइस, उनकी पेशन बहुत ज्यादा थी। क्योंकि सर हमेशा मुझे बोलता था कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बट जो भी है तुम उस चीज को सामने रखो और उसमें हार्डवर्क करो, तो जरूर तुम बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो मैं हर एक, मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन, मेरी जो बातें सुन रहे, मैं सबको वही बताऊंगी कि एंड ऑफ द डे हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ यू। आप हार्डवर्क करो, आपको हमेशा उसकी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मैं जा रही थी और मैं वहां पे पहुंचने के बाद ट्रेनिंग सेशन में मेरी एंकल क्रैक हो गई थी, और मतलब क्वालिफिकेशन के बाद सारे डॉक्टर वगैरह बोल रहा था कि अब मत करो, आपकी एंकल की हालत बहुत खराब है। बट मैंने सच में बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया और मैंने बोला नहीं, मुझे परफॉर्म करना ही है किसी भी हालत में। और मैंने वहां पे परफॉर्म किया और ब्रॉन्ज मेडल आया, पहली किसी इंडिविजुअल इवेंट और जिमनास्टिक जैसे इवेंट में गर्ल्स में ब्रॉन्ज मेडल आया पहली बार जिमनास्टिक में। तो सच में बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील था मेरे लिए वो चीज, क्योंकि हर जगह पे बोलते थे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, लड़कियां बहुत पीछे। बट फाइनली जब आज लड़की लोगों के मेडल आया और गर्ल्स की, जैसे लास्ट आप ओलंपिक्स में ही देखो, जैसे PV सिंधु, साक्षी मलिक ने मेडल जीता था। बॉयज बॉयज का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट दो मेडल दो ही गर्ल्स की आई। तो सच में मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होती, क्योंकि हमेशा हमें बोला जाता था कि लड़कियां पीछे है, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़की लोग बस सिर्फ जैसे घर पे रहेगी, घर की काम करेगी। बट आज ऐसे टाइम, ऐसे एक मोमेंट आया कि नहीं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और अगर हम चाहे कुछ करने के लिए तो कोई भी नहीं रोक सकते। और एक चीज, जो मैं रियो से पहले जब मैं क्वालिफिकेशन का था, तो सच में मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले। जब मैं गई थी वहां पे, तो मेरा मैं रिजर्व में रह गई थी। और फाइनली मेरा लक साथ था और मैंने इतने ज्यादा हार्डवर्क किए थे, उसकी रिजल्ट भी शायद मुझे भगवान ने देखा और मैं फाइनली टेस्ट इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। और जब मैंने क्वालिफाई किया तो बहुत ज्यादा खुशी था कि इतने सालों के बाद हमने क्वालिफाई किया। और फिर हम जब फाइनल पहुंचे, तो जस्ट मैंने फोर्थ फिनिश किया और जो 0.15 के लिए मेरा मेडल हाथ से निकल गया, तो सच में उस टाइम बहुत बुरा था, बहुत बुरा लग रहा था कि ओलंपिक्स मेडल एक मेडल होती है। आपको पता ही होगा ओलंपिक्स मेडल की प्राइस
बहुत हम पूरे साल, पूरे लास्ट 20 इयर्स, 25 इयर्स ट्रेनिंग करते हैं सिर्फ एक ओलंपिक्स मेडल ड्रीम्स के लिए। तो आज जब निकल गया था, बट मुझे बहुत बुरा लगा, बट मैं थैंक्स टू सबको कि पूरे देश ने और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारा प्यार दिया, सबको मेडल के साथ जुड़ा, और मुझे स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न वो दिया, और फिर पद्मश्री दिया। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं इसीलिए बता रही हूँ कि सच में अगर आप मन से पेशन रख के हार्ड वर्क करेंगे, आपको हमेशा उसकी रिजल्ट मिलेगा। और मैं जब छोटी थी तो सच में मैं फ्लैट फुटेड थी, और वही चीज जब मैं मेरी कोच और मेरे जो ट्रेनर थे, मेरे पापा थे, वो भी एक कोच थे, वेटलिफ्टिंग साइड कोच, तो उन लोगों ने भी बहुत मदद दिया, क्योंकि सर का ऐसा ही था कि जब मैं कहीं जाती थी रिजेक्ट कर देता था कि उससे नहीं होगा, तो सर ने एक टारगेट लिया था, नहीं इसको मुझे पहुंचाना ही है। बस वही मैं बोलूंगी, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं सबको आप यही बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग हार्डवर्क करिए तो सच में आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं थोड़ा सा किया क्योंकि बिकॉज बहुत लॉन्ग है, लास्ट 22 इयर्स की जर्नी है, लॉन्ग है, बट जो मेरी सबसे ज्यादा स्पेशल मोमेंट थी मैंने वो शेयर किया। बस वही चाहूंगी कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हमारे कंट्री में हैं, वो लोग आगे आए और अपने अपने टैलेंट को निकाले सामने। थैंक यू।